हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरिबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर पोलिंग की थी और उस पोलिंग के जरिए मैंने आप सभी को पूछा था कि क्या जीएसएलवी मार्क टू एक फेलियर है। तो सीधा सा आंसर है, नो ही आया होगा। मतलब सीधा सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि नो है। पर लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर यस भी दिया था, लेकिन कुछ परसेंट है जिन्होंने इसका आंसर यस दिया था। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जीएसएलवी मार्क टू एक सक्सेस है हमारे इसरो का। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, देखिए, जब भी हम जीएसएलवी मार्क टू का लॉन्च करते हैं, जीएसएलवी मार्क टू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जीएसएलवी मार्क थ्री के कंपैरिजन में। जीएसएलवी मार्क टू काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कंपेयरिंग टू जीएसएलवी मार्क थ्री। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जीएसएलवी मार्क थ्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जीएसएलवी मार्क टू से। टेक्निकली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स क्यों है जीएसएलवी मार्क टू? कॉम्प्लेक्स क्यों है जब हम देखेंगे तब। देखिए बेसिकली दोस्तों, जीएसएलवी मार्क टू में काफ़ी ऐसे आप कह सकते हो चीज़ें हैं जो पीएसएलवी से उठाई गई है। अगर आप जीएसएलवी मार्क टू को देखोगे तो साइड की जो मतलब साइड की जो बूस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम L40 बूस्टर्स कहते हैं, उन बूस्टर्स के जो सेंटर में कोर जो लगाया जाता है वो सॉलिड 139 कोर है। और वही कोर पीएसएलवी के फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल होता है और पीएसएलवी की फिर से सेकंड स्टेज उठा के हमारे जीएसएलवी मार्क टू की GS2 स्टेज बनाई गई है और उसके ऊपर फिर क्रायो स्टेज लगाया गया है। लेकिन जीएसएलवी मार्क थ्री का थोड़ा सा उल्टा है। जीएसएलवी मार्क थ्री में थोड़ा सा अलग होता है। इन्होंने कुछ हटके करने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा दो सॉलिड स्ट्रैपॉन्स बूस्टर्स लगाए S200, उसके सीधा सेंटर में कोर लगाया L110, जिसे हम L110 कहते हैं, और उसके ऊपर क्रायोजेनिक्स लगाया जो है हमारा CUS20। CUS20 ही है हमारे जीएसएलवी मार्क थ्री के ऊपर। एनीवेज, सो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जीएसएलवी मार्क थ्री इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मार्क टू। क्यों? इसका सीधा सा आंसर है, बेसिकली जो जीएसएलवी मार्क टू है, टेक्निकली की बात कर रहा हूँ अभी, मैंने जस्ट थियोरेटिकली पहले आपको आंसर बताया कि क्या क्यों जीएसएलवी मार्क टू कॉम्प्लेक्स है जीएसएलवी मार्क थ्री से। अभी मैं आपको टेक्निकली इस चीज़ का आंसर बताऊंगा कि क्यों जीएसएलवी मार्क थ्री कॉम्प्लेक्स है जीएसएलवी मार्क टू से। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो टेक्निकली हम मतलब जो जीएसएलवी मार्क टू है, जीएसएलवी मार्क टू में कई ऐसे पार्ट्स हैं जो हमने पीएसएलवी के एक्सल वर्जन से उठाए हैं, जैसे कि कोर बेस श्राउड हो गया, फिर सेकंड स्टेज हो गया जिसे हम GS2 कहते हैं। ये दो स्टेज तो हमने पीएसएलवी से उठाए हैं। रही बात साइड स्ट्रैपॉन्स की, साइड स्ट्रैपॉन्स तो वैसे भी हम बनाते आए हैं, और अगर आपको पता नहीं होगा तो एडमायर पे भी हम वो L40 स्ट्रैपॉन ही लगाने वाले हैं जो हमारे GSLV मार्क टू को पावर देता है। एनीवेज, सो ये कुछ आप कह सकते हो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों GSLV मार्क टू एक फेलियर नहीं है इसरो का। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और एनीवेज, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।